सभी साथियों को मेरा जय भीम। हमारे दलित समाज के जय भीम बोलते दो। तो हमारे दलित समाज के बहुत सारे सितारे यहाँ मैं देख रहा हूँ, और मैं भी उस अंधेरों से निकला हुआ एक जुगनू हूँ जो कभी कभी अंधेरों में चमकने लग जाता हूँ। दोस्तों, जब मैं 8 साल का था तो घर का खर्चा चलाने के लिए स्कूल से आकर एक ताला बनाने की फैक्ट्री में लॉक मैकेनिक का काम करता था। ऐसे हमने खर्चा चलाकर धीरे धीरे पढ़ाई पूरी की, और मेरा फर्स्ट बिजनेस था जो सड़कों पे फोम होती थी कूड़े में, वो अपने स्वीपर साथियों से इकट्ठी करा के और मोहल्ले की जो महिलाएं होती थी बेरोजगार उनसे कटिंग करा के उनका पिल्लो बनवाना और उसे साइकिल पे फिर सप्लाई करना। ऐसे करते करते हम लोगों ने फिर धीरे धीरे काम किया। लेकिन इस पूरे सफर में आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, जितना चंद्रभान जी ने इस 1 साल में किया है, मैं उनको डिक्की के टाइम से जानता हूँ। आज हम जितने लोग देख रहे हैं, अगर सरकारें हम लोगों को सपोर्ट करती ढंग से, जैसी आज आंकड़ेबाजी हो रही है, अगर ये पहले से हो रही होती, खाली आंकड़ेबाजी ना होती, इस पर काम हुआ होता, तो आज हमारे ऐसे सितारों से रामलीला मैदान भी कम पड़ जाता, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों को ज़्यादा नौकरियों पर, क्योंकि अब नौकरियों में रिजर्वेशन के ऊपर, और जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको यही समझाइए कि अपने व्यापार में तरक्की करें, मोटिवेशन करें उनको कि कैसे बिजनेस किया जा सकता है और कैसे काम किया जा सकता है। हम लोगों ने जो तरक्की की है या थोड़ा बहुत किया है, वो आगे कैसे हम बढ़ाएं उसको अपने समाज में, अपने दलित समाज में, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।